तो हम लोग अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो ये टॉपिक है ट्रेड्स ऑफ ग्रोइंग लीडर्स। ये एक जो बढ़ता हुआ एक नेतृत्व, जब हम बढ़ते हैं आगे लीडरशिप पोजीशंस में आते हैं, लीडरशिप का मतलब एक छोटी सी चीज़ को भी करना के लिए एक नेतृत्व चाहिए। नेत्र से नेतृत्व आता है शब्द, नेत्र से नेतृत्व आता है। नेत्र का मतलब होता है दृष्टि, देखने की दृष्टि, है ना। वेन वी सी इट, सो वेन वी ग्रो, जब हम बढ़ते हैं आगे ना, तो ऐसे कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, बेसिक कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि ना हम उस दी हुई जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकें। तो उस पर ही हमारी पूरी पूरी चर्चा रहेगी। करीब करीब 5 सेशंस होंगे इस पर, और इसको एक एक्रोनिम दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा, स्क्रैड, CRADD, क्रैड, राइट। वहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है, क्रैड, राइट। व्हाट इज दिस क्रैड? सो द सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, है ना। ये 5 चीज़ें हम सबको विकसित करनी होती है अपने जीवन में, जैसे कि हमने अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। तो एक एक करके इसमें हम बताएंगे, तो एक एक सत्र जो होंगे ये एक एक इस पे टॉपिक्स पर आएंगे। कमिटमेंट, राइट। सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, देन डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेबिलिटी, देन अदर डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन। ये 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनका अर्थ क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे कमिटमेंट। कमिटमेंट का अर्थ होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कमिट करो अपने आप को। जैसे कि बाहर की दुनिया में भी लोग कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। हम इतने ज़्यादा अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि हम बिल्कुल भी अपने दिए हुए वचनों से बिल्कुल भी डिवेट नहीं करेंगे, नॉट अ सिंगल इंच, है ना, नॉट अ सिंगल इंच। दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट, जो हमने किया वो कमिटमेंट, राइट। देन सेकेंड कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण होता है भगवान का। भगवान जिम्मेदारी उठाते हैं इतने सारे जीवों को वापस अपने धाम में लाने की, और बार बार देखते हैं ना संसार में, बार बार क्रिएशन होती है, बार बार डिस्ट्रक्शन है, बार बार भगवान अलग अलग प्रकार से फैसिलिटीज़ देते हैं, शास्त्र भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, ताकि हम सब इस हमको उठा सकें, बेसिकली एक जीव को वापस भगवत धाम लाया जा सके। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भगवान की जिम्मेदारी उठाते हैं, दो भगवान के लिए करने को नहीं है, दो कृष्णा इज नॉट बाउंड बाई दैट, बट स्टिल कृष्णा डज दैट। वाई ही डज दैट? बिकॉज ही फील्स इट दैट दे इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें डिटेल में आपको बताएंगे। एक सेक्शन 3rd canto भागवतम में आता है, इसमें कि भगवान जब 4 कुमारों के द्वारा ये जो जय विजय श्रापित थे, तो कैसे उन्होंने जय विजय को बचाया था, और साथ ही साथ कैसे भगवान ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी जय विजय की गलतियों की। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, हिंदी में जवाबदेही, है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कहने का मतलब आप कोई भी चीज़ करिए उसके पीछे जवाबदेही बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप वाकई उस चीज़ को सही से कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सब पे एक एक सेशन हैं पूरे, तो डिटेल में बताएंगे उस समय क्या। देन डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी मतलब ऐसा चरित्र होना चाहिए कि हमारे सुपीरियर्स हम पे डिपेंड कर सकें कि भाई इसको काम दे दिया ना, बस अब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, 10 बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंडेबिलिटी, मिस्टर डिपेंडेंट, है ना। एक बार एक भक्त थे, उनको मंदिर में आए नए बार के गेस्ट थे, एक भक्त को बोला कि इनको ले जाओ जाके ऊपर प्रसाद करा दो, प्रसाद खिला दो उनको। तो क्या किया उन्होंने उनको पूरा दिशा बता दी कि देखिए यहाँ से चढ़िएगा और जा कर के 3rd floor पहुँचिएगा, वहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, वहाँ ऐसे प्लेट मिल जाएगी, प्लेट लगा के ले लीजिएगा प्रसाद। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने आगे डेलीगेशन किया, एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन, एक के बाद एक। और वो व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, फिर वो 3rd floor कैसे है, किधर से जाना है, सीढ़ी किधर है, सीढ़ी समझ में नहीं आ रही कहाँ पे है, कैसे। तो 15-20 मिनट चक्कर लगा गया, देखो व्यक्ति वहीं पे खड़ा हुआ है व्यक्ति आगे ही नहीं गया कहीं से, एज इट इज स्टैंड कर रहा है वहाँ पे। तो क्या हो गया, बोला गुरु जी वो तो समझा के चले गए, मुझे बहुत अच्छा ये। तो आप क्या सोचोगे ऐसे व्यक्ति को, फिर नेक्स्ट टाइम कोई सेवा दोगे आप? कभी नहीं दोगे। इसलिए नहीं दोगे कि अरे व्यक्ति लायक नहीं है सेवा के, किसको सेवा दी जाए, कितनी जिम्मेदारी की सेवा दी। कोई बाहर से गेस्ट आया, उसको प्रसाद खिलाना था, लेकिन क्या किया उन्होंने, समझा के चले गए। डिपेंडेंटी मिल्स इट्स अ वेरी बिग क्वालिटी, किसी पे आप डिपेंड होकर ही कुछ करते हैं। जैसे कि अभी हमने छठ गोस्वामी अष्टकम गाया ना, तो छठ गोस्वामियों के ऊपर महाप्रभु की डिपेंडेबिलिटी है। वैसे महाप्रभु सराहट हैं, बट स्टिल अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने छठ गोस्वामियों का किया एम्पावर किया, बोला कि आप लोग वृंदावन जाओ और जाके खूब ग्रंथ लिखो,
उन्होंने कहा है ना, नाना शास्त्र विचारणे गुण सद्धर्म संस्थापको, नाना प्रकार के शास्त्रों को लिखना और उसके बाद उसको संकलन करना और फिर इसको धर्म को एस्टैब्लिश करना, धर्म सद्धर्म ना ट्रू रिलीजन इसको एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द क्वालिटी ऑफ गोस्वामी, मंदिर बनवाना और भगवान की जितनी कोई हुई लीला स्थली थी उनको आपका खोजना निकालना, और साथ ही साथ छठी चीज़ चौथी चीज़ थी विग्रहों की स्थापना है ना, गोविंद श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इन तीन डिटीज़ को एस्टैब्लिश किया सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और फर्दर और भी गोस्वामी ने। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि ये जो सारे के सारे जिम्मेदारियाँ दी जाती है ना, तो एक क्वालिटी व्यक्ति के अंदर देखी जाती है कि वो डिपेंडेबिलिटी है कि नहीं उसके ऊपर, अगर उसके अंदर डिपेंडेबिलिटी नहीं होती है तो नॉर्मली कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उसको दिया जाता है ठीक है भाई ये कर लो वो कर लो, डिपेंडेबिलिटी इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी बिग क्वालिटी एक्चुअली। एंड देन कम्स डेडिकेशन, व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन है कि नहीं किसी चीज़ को करने का, ठीक है। तो इस पर एक एक चीज़ों पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टुडे वील डिस्कस ऑन सी द कमिटमेंट, है ना, लेट्स सी व्हाट इज कमिटमेंट। जिसके अगर आप वैसे डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो इसके दो अर्थ आते हैं कमिटमेंट के, एन एंगेजमेंट और ऑब्लिगेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ एक्शन, राइट, एंड सेकंड वन इज द स्टेट और अ क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अ कॉज और एक्टिविटी, है ना, इस प्रकार का स्थिति या ऐसे प्रकार के गुण जिसमें क्या है कारण के लिए, किसी एक कारण के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, कमिटेड करते हैं। एन एंगेजमेंट और ऑब्लिगेशन, इस प्रकार के एंगेजमेंट या ऑब्लिगेशन मतलब जो बाध्य करती है आपको अपने कार्यों को रोकने के लिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझेंगे क्या है कमिटमेंट का मतलब। जैसे कि दुनिया में लीगल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक कमिटमेंट होती है, लीगल बॉन्ड्स होती है ना, आप साइन करते हो उसको, कि जैसे कंपनी में लोग जब जॉब में जाते हैं तो साइन करते हैं कि देखिए जी हम 2 साल तक आपकी कंपनी नहीं छोड़ेंगे, हम कमिटमेंट दे रहे हैं आपको 2 साल तक आपकी कंपनी नहीं छोड़ेंगे, अगर हम आपकी कंपनी 2 साल से पहले छोड़ दी तो हम आपको 1,00,000 रुपये हर्जाना भरेंगे, 2,00,000 रुपये हर्जाना भर के जाएंगे, कमिटेड। उसी प्रकार से जितने भी लीगल बॉन्ड्स होते हैं बाहर के, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाहर के, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ को कमिटेड रहो, बिकॉज ना विदाउट कमिटमेंट नथिंग ग्रोज, बिना कमिटमेंट की कोई चीज़ नहीं बढ़ती है संसार में, भले वो आपका आध्यात्मिक जीवन हो चाहे आपका वो भौतिक जीवन हो, बट एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक होता है उसके चरित्र में एक गुण होना चाहिए कमिटमेंट का, अगर उसके अंदर कमिटमेंट नहीं है ना तब नहीं हो पाएगी कोई चीज़, उसका मन कहाँ फिसल जाए कब क्या हो जाए पता नहीं। दूसरा उदाहरण समझिएगा, जैसे कि शादी होती है, अब तो शादी अब अलग ही हो चुकी है कि शादी लोग तोड़ देते हैं तुरंत, नहीं शादी भी अपने आप में कमिटमेंट है ना, अब इतने सारे कमिटमेंट है, अब देखो ना जितने शादी के रीति रिवाज होते हैं, 7 फेरे लेना, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाना, फिर ये सब डिटेल्स जितनी हैं उन सब के इस विषय ऐसे समझोगे ना तो कमिटमेंट है कि आपको पूरे लाइफ एटलीस्ट 50 ईयर्स तक आपको इसको निभाना है। कोई कहेगा इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, निभा देंगे, कोई लगता है लोगों को इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, नहीं इतना आसान नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत आसानी से बस हम थोड़ा सा एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन से है ना, बाह्य आकर्षण से खाली जा करके ना विवाह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कमिटमेंट है ना वो नहीं पता होती लोगों कितनी है। और आज के समय में क्या है, क्या हर कोई जिम्मेदारी से भागता है ना, कमिटमेंट से भागता है, कोई कमिट नहीं होना चाहता, कमिटमेंट का मतलब बंधन, और कमिट कर दिया तो बस बंध गया, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब मैरिज इज़ वन ऑफ द कमिटमेंट्स जो एक लाइफ में आती है। फिर जैसे इनिशिएशन होता है, हम सब जो भी दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय हम क्या बोलते हैं, गुरु के आगे बोलते हैं, अग्नि के आगे बोलते हैं, वैष्णव के आगे बोलते हैं, डिटीज़ के आगे बोलते हैं, कि आने वाले पूरे जीवन हम 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, ये ना बोलते हैं दीक्षा के समय, तो कमिटमेंट होती है, गुरु के आगे कमिटमेंट देते हैं। इसी प्रकार से ये कमिटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इसको अगर विकसित ना करें ना तो आप समझ लीजिए जीवन पशु समान हो जाता है ना, पशुओं की लाइफ में कोई कमिटमेंट थोड़ी होती है, पशु को देखा कोई कमिटेड पशु होता है, बिल्कुल नहीं होता है, उसको जहाँ उसके सेंसेस ले जाएंगी, जहाँ उसकी इंद्रियाँ ले जाती हैं और जहाँ उसको जो चीज़ दिखेगी वो करेगा, ये होता है। लेकिन मनुष्य थोड़ा फर्क होता है ना, मनुष्यों के जीवन में थोड़ा कमिटमेंट नाम की चीज़ होती है, राइट, दैट्स कमिटमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये जरा प्रसंग जरूर सुना होगा कैकेयी का और राजा दशरथ का, लेकिन इस कमिटमेंट को पढ़ सुन करके लोग बड़े डर जाते हैं कई बार ऐसे एग्जांपल्स को देख करके। लेकिन राजा दशरथ थे, जब देखा था कैकेयी ने उनको युद्ध में बचाया तो उनके अंदर ये चीज़ आई कि हाँ मुझे भी क्या करना चाहिए, इस कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए। और जब उन्होंने मांगा कैकेयी ने, ये सारी स्टोरीज आप जानते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ,
एको भवन में जा करके क्या कही पूरा अपने आप को इस अवस्था में डाल देती हैं कि एकदम वो एकदम कोप में जा चुकी हैं, शी इज़ इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस। तो राजा दशरथ जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनको मनाते हैं, और फिर क्या होता है अंत में क्या कही अपनी बात कहती हैं, मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें, एक तो भगवान रामचंद्र को राजा नहीं बनाना है, बनाना किसको राजा है, भरत को बनाना है, और दूसरा कि भगवान राम यहाँ रहेंगे तो भरत ढंग से शासन नहीं कर पाएगा, है ना, क्यों नहीं शासन कर पाएगा, क्योंकि राम रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उसको परेशान करते रहेंगे, तो इसलिए उनको क्या करो, वनवास भेजो, 14 साल के लिए वनवास, और भरत को अयोध्या का राजा। और भगवान यहाँ पे क्या हुआ, कमिटमेंट का एग्जांपल देखते हैं कि राजा दशरथ बद्ध थे, ही वॉज बाउंड, तो इतनी बड़ी चीज़ थी, चाहते तो तोड़ सकते थे, बोलते थे मैं तुम्हारे को बिल्कुल फॉलो नहीं करूँगा, है ना, चाहते तोड़ सकते थे, यहाँ तो शेख आ गया कि क्या है, भगवान के नाम पे तोड़ सकते थे, बोले भगवान है, आप भगवान को वनवास में भेज रहे हो, भगवान को डिसप्लीज कर रहे हो आप, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। इसीलिए कहते हैं कि कई अवस्थाओं में ना हमें इस चीज़ को जानना चाहिए, धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द लॉ, व्हाट इज़ द कमिटमेंट, और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, है ना। कई बार ये चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है कि कब हमें ऐसे धर्मों को फॉलो करना चाहिए, कब हमें कौन से धर्म को बाईपास करना चाहिए। और जैसे भगवान ने कमिटमेंट को बाईपास करवाया, धर्मों को बाईपास करवाया महाभारत में, कराया ना बाईपास, युधिष्ठिर कह रहे हैं उनका था कमिटमेंट, झूठ नहीं बोलूँगा कभी, भगवान बोले रहे जो मैं परम सत्य बोल रहा हूँ बोलने को झूठ, तो फिर क्या बच गया, वो झूठ थोड़ी होगा। तो लेकिन वो हायर कंसेप्शन है, उसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं डाल सकते। कई बार लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हैं अपने गलत एक्शंस में, है ना, जैसे कि हम मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं, सारी ट्रैफिक लाइट टूटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमें कृष्ण को समय पे दर्शन करना है जाके, ये हायर प्रिंसिपल है, हायर प्रिंसिपल है कि नहीं है भाई, भगवान समय पे मंगल आरती में अगर आप 4:30 नहीं पहुँचोगे तो बताया जाता है भगवान की जब 4:30 दर्शन खुलते हैं तो उसको बताया जाता है कृपा कटाक्ष, सबसे पहला कृपा भगवान की सुबह मिलती है 4:30 बजे, और आप टाइम पर पहुँचे ही नहीं और ट्रैफिक लाइट टूटते हुए आ रहे हो उधर, हाँ, वॉट टू डू, कौन सा धर्म फॉलो करें बताइए, क्या कर सकते हैं इस केस में। आप लेट हो रहे हैं, आपका घर 20 मिनट दूरी पे है और 4:20 पे आप घर से निकले, है ना, और आप बोलेंगे सुबह ट्रैफिक नहीं होता भाई, चलो दोपहर की बात कर लेते हैं जब ट्रैफिक होता है, और सारे ट्रैफिक लाइट तोड़ते हुए आप पहुँच रहे हो मंदिर कृष्ण के पास, तो क्या सही है कि नहीं सही है, कहाँ पर गलत है बताइए, सब जो जो सो रहे हैं उनसे मैं अब नाम ले लेकर उठाऊँगा उनको, आपको एम्बेरसमेंट होगी ज़रूर लेकिन होना अच्छा है, ठीक है, हम कान खोल के सुनिएगा जब आप देते जाइएगा, तो ये गलत है कि सही है बताइए, अब एक राग में सब बोल रहे हैं लेकिन बोलना ही पड़ेगा कैसे गलत है बताइए, कौन बताएगा बताओ, ठीक है, रिस्क पर डाल रहे हैं, एक रिस्क हो जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा आपको आगे जा करके, और कानून तोड़ रहे हैं, बट कोई कहेगा ना नहीं कृष्ण सबसे बड़े कानून बनाने वाले हैं, कृष्ण को टाइम पर नहीं पहुँचे हम तो फिर तो हमने कृष्ण का कानून तोड़ दिया ना, थोड़ा क्या तोड़ा, ऐसे दोबारा नहीं पहुँच पाएंगे, हाँ अच्छा पॉइंट है, दोबारा कभी नहीं पहुँच पाएंगे, पुलिस पकड़ दी जाएगी फिर, और समय की वैल्यू नहीं करेंगे, गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट बोला, और चलान कट जाएगा, अच्छा तो फिर कृष्ण की इस दर्शन समय पे नहीं करना चाहिए, आप सब एक मत क्यों हो गए हो, कृष्ण का फिर समय पर दर्शन ही नहीं होगा, टाइम से निकलिए, ये क्या है सोल्यूशन है उसका, नहीं अगर आप 20 मिनट पहले निकलेंगे 25 मिनट पहले निकलेंगे टाइम से पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, तो पॉइंट बहुत मैटर है, कमिटमेंट कई बार चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी प्लानिंग चाहिए होती है, उसके कारण ही आप उस चीज़ कर पाएंगे, नहीं तो आप उस चीज़ को समय पर नहीं कर पाएंगे। दो कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल समझ में आए क्या मैंने बोला, पहला प्रिंसिपल तो मैंने बोला कि हमें नॉर्मली हर लॉज हर कमिटेड चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीम केस में क्या होता है उसको बाईपास किया जाता है, एक्सट्रीम केसेस बहुत रेयर होते हैं, जनरल नहीं होते हैं, रेयर होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं ना, कभी कभी कई बार भक्तों को भी कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ों में, जनरल नहीं होता ये चीज़ है ना, जनरली डजेंट फॉलोस, और फिर आपको कॉज देखना पड़ता है किस कारण के लिए आप कर रहे हो। कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, कमिटमेंट वो चीज़ होती है जिसमें कि आप प्रतिबद्ध उसको फॉलो करने को लेकर के, और डिवोशनल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो,
बिना उसके डिवोशन लाइफ ग्रो नहीं करती है कमिटमेंट लाइफ। अब हम एक प्रसंग सुनेंगे जिसमें कि इस कमिटमेंट को बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि कैसे कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, पहले तो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और दूसरा कि एक खास कर की जीवन को जीने के लिए, लिविंग अ लाइफ। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि एज वी ग्रो, जब हम बढ़ते हैं ना भक्ति के अंदर, तो हमारे के अंदर ये कमिटमेंट गुण आना चाहिए, देन वी विल हैव दैट क्वालिटी बाई विच वी कैन बिकम अ गुड लीडर, है ना, जिससे कि हम चीज़ों को अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्टोरी कम्स अ स्टोरी ऑफ ए साक्षी गोपाल। इस साक्षी गोपाल की शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, है ना। कई लोगों को स्टोरीज पता होगी, कई लोगों को शायद नहीं पता होगी, है ना। बीच बीच में नरेट भी करता रहूँगा स्टोरी क्या थी। तो स्टोरी किस प्रकार से आती है कि वेस्ट साउथ इंडिया के दो ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण और एक यंग ब्राह्मण, नॉर्थ की तरफ आए सारे के सारे तीर्थों को घूमने के लिए। तो वो लोग मथुरा आए, तो मथुरा आए तो मथुरा आकर के उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को घूमा। तो जो छोटा ब्राह्मण था ना और बड़े ब्राह्मण, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, रिलेशन नहीं था इनका, लेकिन छोटे ब्राह्मण ने एक कृतज्ञतावश कि भाई बूढ़े हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी, इसलिए उसने क्या किया, उनकी बहुत सेवाएँ की, उनको सही जगह पे विश्राम का स्थान दिया, खान पान दिया, उनका सामान उठाया, बहुत कुछ किया। तो ये एक एटिकेट प्रिंसिपल देखते थे पहले के समय, नॉर्मली लोगों के अंदर होता था कि भाई छोटा है व्यक्ति तो बड़े व्यक्ति की सेवा करता है। तो करते 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 इतना वो कृतार्थ हो गया, इतना वो कृतार्थ हो गया जो बूढ़ा था, उसने एक बात बोली इनको, और क्या बोला, कृतज्ञता हय तो माय न कहले सम्मान, अतय तो मायामी दिव कन्या दाना। इतना कृतार्थ हो गया वो बूढ़ा ब्राह्मण, उसने क्या बोल दिया, इतनी बड़ी बात बोल दी, क्या कहता है, कृतज्ञता, है ना, इफ आई डू नॉट शो एनी रिस्पेक्ट आई वुड बी अनग्रेटफुल, देयरफॉर आई प्रॉमिस टू गिव यू माय डॉटर इन चैरिटी। कृतज्ञ, एक शब्द होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न, है ना, इट इज लाइक कि आप कृतज्ञ नहीं हो, अपोजिट ऑफ कृतज्ञ, राइट। कृतज्ञ मतलब समझते हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल, मैं शक्ति के लिए प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इसने मेरी सेवा की, और कह रहे हैं कि अगर मैं आपके प्रति कृतज्ञ नहीं हुआ तो मैं प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगा आपको। तो उस बातों बातों में उसने क्या बोल दिया, अतएव तो मायामी दीव कन्या दान, तो मैं आपको अपनी कन्या का दान करूँगा। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी, और बोली किसके आगे थी, भगवान के आगे बोली थी, गोपाल जी के आगे बोली थी, है ना, गोपाल जी के। लेकिन किसने क्या किया, छोट विप्र कहे सुना विप्र महाशय, असंभव कह के नहीं है। तो द यंगर ब्राह्मण रिप्लाइड, माय डियर सर प्लीज हियर मी, यू आर सेइंग समथिंग वेरी अनयूजुअल, सच अ थिंग नेवर हैपेंस। अब समझो क्या कमिटमेंट देने जा रहे हो, सोचो भगवान है, भगवान के सामने भगवान खड़े हैं, भगवान मतलब तुम ही प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है वो ऐसे नहीं मूर्ति ला के रख दीजिए, मूर्ति पूजा चल रही है, मूर्ति पूजा में और विग्रहों की आराधना में फ़र्क होता है। मूर्ति वो होती है जिसको चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया जाता है, साल में एक बार नेताजी आते हैं, उससे पहले म्यूनसिपैलिटी का जमादार आता है जो उस पर झाड़ू मारता है, पहले उनके चेहरे पर झाड़ू मारेगा, उनके सर के ऊपर, क्योंकि उस पर बहुत कौओं ने बीट की होती है, कौओं ने गंदगी की होती है, देखा है कभी, हाँ बहुत सारे कौए गंदगी किए होते हैं, उसको साफ़ करते हैं आके वो, फिर शाम को समारोह होता है, माला वाला पहनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, तो ये होते हैं मूर्ति, इसे कहते हैं मूर्ति पूजा। लेकिन विग्रहों की आराधना अलग चीज़ होती है, विग्रहों की आराधना होती है, इसलिए हम गौरव जी गाते हैं ना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, है ना, ये गुरु के कर्तव्य होता है, रोज डिटी वर्शिप। कहने का अर्थ है कि श्री विग्रह आराधना, तो हम लोग विग्रहों की आराधना करते हैं, उनकी पूजा विग्रहों की, ऐसा नहीं साल में एक बार, विग्रह और मूर्ति में फ़र्क होता है, विग्रह इस कृष्णा हिमसेल्फ इस कृष्णा, राइट, बट द मूर्ति क्या होती है, वो जीवित नहीं होती है, उनको जीवन नहीं होता है ना, डिटीज रेसिप्रोकेट करती हैं अकॉर्डिंग टू फेथ,
हमारी जितनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से डीटीज रेसिप्रोकेट करती है हमारे ऊपर। इस बात को ये ब्राह्मण जानता था। जिस ब्राह्मण ने क्या बोला कि देखो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, असंभव कह ये ना यही ना ही है, तो तुम बात बोल रहे हो ना असंभव बात बोल रहे हो, है ना, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मली होती नहीं है। आप भगवान के आगे बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी दे दूंगा आपको, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, कन्यादान पात्र हामी न है तुम्हार, कृष्ण प्रीत्य करी तो मा सेवा व्यवहार। तो कह रहे हैं कि देखिए जी, हम सेवा इसलिए से नहीं किए थे कि हमें पता था कि आप तो अपनी बेटी देने वाले हैं, ऐसा तो हम भाव से नहीं किए थे, तो व्यवहार है, एक नॉर्मल व्यवहार है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, तो हमें सेवा किया आपकी बस। और कन्यादान के हम पात्र नहीं हैं, हमें आप उसे खुद मना किया ब्राह्मण ने, छोटे ब्राह्मण ने, कि हम पात्र नहीं हैं, कमिटमेंट की बात है, हम पात्र नहीं हैं, आप हमें मत दीजिए। लेकिन हुआ क्या, ये ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है ना, देने को तैयार था। आए कह रहे हैं यही कि ब्राह्मण सेवा या कृष्णेर प्रीति बड़ हयो, तानर संतोष भक्ति संपद बढ़यो। सो लॉर्ड कृष्ण इज वेरी मच प्लीज्ड बाय सर्विस रेंडर्ड टू ब्राह्मणास, एंड व्हेन द लॉर्ड इज प्लीज्ड ऑपुलेंस ऑफ वंस डिवोशन सर्विस इंक्रीज। तो ये छोटे ब्राह्मण की सेवा करने का उद्देश्य ये था। छोटा ब्राह्मण सेवा इससे क्यों कर रहा था, उसे पता था कि बड़े ब्राह्मण की सेवा करूंगा अच्छे से तो उससे भगवान खुश होंगे, और जब भगवान खुश हो जाएंगे तो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो मैं इस भावना से सेवा कर रहा था। लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण क्या कहता है, कहता है बड़े विप्र कहे तुम्हें ना करो संशय, तुमा के कन्या दीवामी करिला निश्चय। निश्चय कमिटमेंट, बोल दिया कि दे के रहूंगा मैं अपनी बेटी तुम्हें। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि माय डियर बॉय डू नॉट डाउट मी, आई विल गिव यू माय डॉटर इन चैरिटी, आई हैव ऑलरेडी डिसाइड, मैंने डिसाइड कर लिया। तो उसने बोला कि अरे भाई थोड़ा घर जाके अपनी पत्नी से पूछ लो, अपने बड़े बेटे से पूछ लो, रिश्तेदारों से पूछ लो, आप कमिटमेंट यहाँ दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वहीं कुछ हो गया तो। बोला बस मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, कई लोग ऐसे ही होते हैं, हम डिसाइड कर लिया तो कर लिया बस, अब हम भक्ति ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे भक्तों को, अच्छी बात है। लेकिन हम बोलते हैं थोड़ा और भी सोचो उस पर, और भी सोचो, माता पिता के बारे में सोचो, घर वालों के बारे में सोचो, काम धंधे के बारे में सोचो, इसके बारे में तो सुनते ही नहीं है, बस तो बस ना लेफ्ट ना राइट, हमने सोच लिया, मम्मी रघुनाथ दास स्वामी की तरह छोड़ के भाग चुके हैं सब, तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं ऐसे रघुनाथ दास स्वामी खूब आए हमारे पास, हमें क्या है, हमें तो फ्री के मिल रहे हैं बैठे बैठे, कोई फ्री के समय को मना करता है नहीं, मैं कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सोचो कमिटमेंट देने से पहले, जो कमिटमेंट दे रहे हो क्या है, फिर पीछे नहीं हटना। इसके बाद क्या, 6-8 महीने का प्रोजे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे पापा याद आ रहे हैं हमें, तो पापा का क्या होगा बुढ़ापे में, बेचारे ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो जाने का मन कर रहा था, चले जाएँ एक बार, मम्मी चले जाओ भाई, क्या कह रहे हैं, यू कैन गो बैक। तो कमिटेड, इसलिए रघुनाथ दास स्वामी के जो वैराग्य था क्या था, पत्थर की लकीर के समान, पत्थर की लकीर घिस दिया घिस दिया। और हमारा वैराग्य या हमारी कोई भी कमिटमेंट कैसी होती है, मक्खन की लकीर मक्खन की लकीर देखिए, घींच के देखिएगा, मक्खन ले लीजिएगा उसको घींच के देखिएगा और थोड़ा देर धूप में रख दीजिए उसको, बस सारी लकीर मिट जाएगी कुछ टाइम में। तो एक मक्खन की लकीर और एक पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर कभी नहीं मिटती है, आज भी आप जाके देखो किसी पत्थर पे कोई लकीर होगी तो आज तक, इवन हम लोग चलेंगे जब ना जगन्नाथपुरी अलालनाथ जाएंगे, विल सी देयर दैट प्लेस, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के विरह में, यही जो टाइम है अन्नस्वर का जो अभी समय चल रहा है, उस टाइम पे भगवान के सेपरेशन में इतना उनका बॉडी एकदम मोल्टन गोल्ड की तरह हो जाता था, और वो एक पत्थर को भगवान को समझ के निपट गए, और आज उनके पूरे शरीर का निशान है उसके ऊपर आज भी, एंड विल गो देयर एंड विल सी दैट। तो कोई भी पत्थर पे आज भी कोई निशान देते हैं, लकीर देते हैं, मिटती नहीं आसानी से। तो ये होता है कमिटमेंट, कि एक बार दिया तो पीछे कभी नहीं हटा, लेकिन मक्खन की लकीर नहीं होनी चाहिए, आए दिन घिसते रहो उस पर ना, आए दिन लोग घिसते रहते हैं उस पर, आज ये कमिटमेंट देते हैं बोल जी, आज हम वचन दे रहे हैं आपको, और कल उसकी हालत ख़राब, बोल जी वचन तो दिया था हमने और क्या करें, तो आदमी फिर अपने एक मेंटल डिप्रेसिंग जोन में चला जाता है, फिर उसको वहाँ से निकालो समझा बुझा के। कहने का मतलब होता है, द पॉइंट इज़ कि कमिटमेंट शुड बी वेरी थाटफुल,
सोचना चाहिए आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ है नहीं है, प्रॉस कॉन्स, ये सब चीज़ों को देखते हुए तब उसको डिसाइड करना चाहिए क्या नहीं करना। और ये ब्राह्मण इनको यही कह रहे हैं, बूढ़े ब्राह्मण को, कि भाई आप जाके अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से सब कर लो, कन्यादान करने जा रहे हो और गोपाल जी के आगे कह रहे हो बात, है ना, तो ये तो ठीक नहीं है, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी क्या हुआ कि ये ब्राह्मण घर गए। अब जैसे घर गए बूढ़े ब्राह्मण, तो घर जाते ही पूरी कथा बताई, पूरी कहानी बताई कि भाई क्या हुआ वहाँ पे, तीर्थ में गए थे, ऐसा ऐसा हुआ, एक बहुत अच्छा छोटा ब्राह्मण मिला मेरे को, उस छोटे ब्राह्मण ने मेरे को बहुत सेवा सत्कार की, तो मैंने उसको ऐसा वचन में दे दिया। उसका बड़े लड़के का तो दिमाग फिर गया, उसने बोला आपने कैसे ऐसे दे दिया, अरे मेरी बहन है, इसका मतलब थोड़ी है उसको कहीं ऐसे दान में दिया होगा, पता नहीं कौन ब्राह्मण है, कहाँ का ब्राह्मण है, हमारे स्टेटस को मैच करेगा नहीं करेगा। ब्राह्मणों में भी ना बड़े क्लास के ब्राह्मण होते हैं, है ना, कोई बड़े अमीर ब्राह्मण होते हैं, गरीब ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग ब्राह्मण होते हैं कई सारे। तो तैयार नहीं हुआ वो, और वाइफ बोली कि अब मेरी बेटी कहाँ, तुमने मेरे पैसे पूछे बिना कैसे दे दिया, और अगर तुमने दिया उसको तो ये तो जान लो आपसे संबंध हम खत्म कर ही लेंगे और साथ ही साथ हम सब लोग जहर खा के मर जाएंगे। अब वो फंस गया बेचारा इमोशनल टाइप में जाके वहाँ पे, अरे बाप ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, और वो बोले मैं जहर खा के मर जाऊँगी और वो लड़का ही कह रहे मर जाऊँगी, अगला अपने लड़के को किया ये वो, अब ब्राह्मण की धड़कन तेज, ब्राह्मण को लग रहा है कि अब वो आ गया मांगने, तो फिर मैं कैसे दूंगा उसको वापस लड़की अपनी, घर की स्थिति बहुत वो हो गई है, विकट हो गई है। लेकिन जो भी था ब्राह्मण पहुंचा, क्या कह रहे हैं, आसीन परम भक्त नमस्कार करी, विनय करी न कहे कर दुई उड़ी। The young Brahman came to him and offered respectful obeisances. Then very humbly folding his hand, he spoke as follows. उसने हाथ जोड़ा और बोला, commitment याद दिलाई कि भाई आपने क्या बोला था, क्या बोला था, तोमी मोर कन्या दीते कर्या च अंगीकार, एवे किछु नाही कहो कि तोमार विचार। So you have promised to give your daughter in charity to me. Now you do not say anything. What is your conclusion? Brahman एकदम चुप, बोला नहीं जा रहा है। लड़का बगल में खड़ा है, पत्नी बगल में खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। भाई वचन दे के आए थे ना, अब तो मांगने आए हूँ मैं, और मेरे को थोड़ी शादी करने का शौक था, मैंने शादी के लिए थोड़ी सेवा की थी आपने, आपने वचन दिया तो गोपाल के आगे। और ये ब्राह्मण इतना क्यों प्रतिबद्ध था शादी के लिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न था, क्यों, क्योंकि भगवान को भगवान मानता था और मानता था कि भाई आपने भगवान के आगे बोला इस बात, तो इसलिए आपको उसको पूरा करना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए उससे, और अगर आप पीछे हट रहे हो तो आपने ब्राह्मण धर्म से पीछे हट रहे हो, क्योंकि ट्रुथ ट्रुथ, इसलिए ब्राह्मणों के में तो 9 गुण गीता में बताते हैं भगवानों से, सबसे पहला गुण बोलते हैं सत्य, सत्य शौचम क्षमा मया शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो पहला गुण होती है सत्यता, ट्रुथफुलनेस, ब्राह्मण शुड बी वेरी ट्रुथफुल। एक स्टोरी आती है सत्यबाल सत्यकाम जब बाली, सुना है स्टोरी, एक बार क्या होता है, एक बच्चा था, है ना, उसकी माँ उसको भेजती है जब बेटा गुरुकुल में पढ़ाई कर, तो गुरुकुल में जाता है तो गुरु पूछते हैं कि बेटा तुम किस वर्ण से आए हो, किस वर्ण से आए हो, तुम्हारा वर्ण क्या है, तो उस वर्ण से बताएंगे, तो फिर बोला कि अच्छा तुम्हारे पिताजी कौन है, तो पिताजी तुम्हें पता नहीं, तो जाओ ठीक है माँ से पूछ के आओ पिताजी तुम्हारे कौन है, तो जाते हैं अपनी माँ से पूछते हैं, और माँ उसकी बताती है कि भाई मैं तो वैश्य हूँ एक, और मैंने कितने लोगों का संग किया है मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हारा पिता कौन है। अब वो बालक बड़ा वो हो गया, तुम्हारे तो पिता का ही पता नहीं कौन है, लेकिन वो जाते हैं गुरु के पास, जाते ही गुरु पूछते हैं उससे कि बताओ फिर पता किए पिता के नाम क्या है, तो उसने पूरी घटना बताई कि मेरी माँ ने बताया कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी की कौन है, तो इतने ने पुरुषों का संग किया था तो पता ही नहीं पता कौन है। वो क्या होता है, गुरु बोलते हैं चलो तुम्हारा वर्ण पता चल गया मेरे को, तो बोला अच्छा वर्ण कैसे पता चल गया आपको, मतलब तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मतलब सत्य बोलते हो, क्योंकि ऐसी बात को कोई बोलेगा ही नहीं कभी आके, वो उसको स्टोरी कवर अप करेगा, लेकिन आपने एज इट इज़ बोला इसको यू आर अ ब्राह्मण, एक्सेप्ट कर लिया, चलो सत्य वाली है ना, बिकॉज ही स्पोक द ट्रूथ, उसका ये नाम। कहने का मतलब है कि एक ब्राह्मण ने अगर वचन दिया भगवान के आगे ना, तो ऐसे ही, तो एक बार ऐसी बात हुई थी कि हमारे मंदिर में भी दो भक्तों के बीच बड़े झगड़े हुए थे आपस में, जब झगड़े हुए तो झगड़े होने के बाद हुआ क्या कि अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, अब फैसला कौन करेगा किसने क्या बोला।
तो बड़ा तेज चलता रहा, मीटिंग ये वो होता गया, सब कुछ होता गया। अंत में जा करके तो हम लोग गए नीचे, हम लोगों ने फाइनल डिसीजन ये लिया कि दोनों डीटीज़ के आगे जाएंगे, कृष्ण बलराम के आगे जाएंगे और जा करके उनके सामने बोलेंगे, बोलेंगे ओके भगवान मैंने ये बातें नहीं बोली, ये बातें नहीं बोली, आप बोलो भगवान के आगे, वही साक्षी हैं, हम तो साक्षी नहीं भाई, आप दोनों का कमरे में बैठ के क्या हुआ हमें क्या पता, दो लोगों की आपस की थी झगड़े और वो बहुत बढ़ गया झगड़ा, अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो फिर क्या हुआ कि चलो भगवान के सामने, भगवान के सामने ले गया गया, भगवान के सामने जाते ही दोनों से बुलवाया गया। अब एक जो था वो धीरे धीरे बोल रहा था, तो उनके बोले थोड़ा तेज बोलो आप, बोलो नहीं नहीं मैं धीरे धीरे बोल लूँगा, मन मन में बोल रहा हूँ, मन के अंदर बोलूँगा, बोला नहीं नहीं मन मन में कुछ नहीं होता है, आप साफ साफ बोलो हे कृष्ण बलराम मैंने ये बात नहीं बोली, और ये पूरी बात बोलो जो आप कहना चाह रहे हो। तो करते करते उन्होंने बोलना शुरू किया, अब दोनों ने एज इट इज़ बोला, उन्होंने प्रभाव देखा उसका, दोनों ने बोला और वास्तविक रूप से जिसने गड़बड़ की थी भगवान ने उसी को पनिश किया। क्यों पनिश किया? कि झूठ बोला था उसने, ट्रुथ सत्य नहीं बोला, भगवान के आगे भी झूठ बोला, इसलिए भगवान के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। जो 64 सेवा अपराध आते हैं उनमें से एक सेवा अपराध यही है भगवान के सामने खड़े होकर झूठ बोलना। और ये ब्राह्मण नहीं चाहता था कि उस चीज़ का रिएक्शन इस बूढ़े ब्राह्मण को लगे, क्योंकि बड़ा ब्राह्मण अगर कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगा तो बहुत पाप लगेगा उसको, भगवान के आगे ऐसा किया, इसलिए वो इतने एडमेंट था उसको लेकर के। आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद क्या हुआ, उसका भाई एकदम वो हो गया, भाई ने उसके क्या किया था, ट्रेस करके रखा हुआ था, भाई ने बोला था पिताजी को आपस जबान नहीं खोलना, मुंह मत खोलना बाकी हम संभाल लेंगे, आप ये मत बोलना कि आपने ऐसा कुछ वचन दिया है, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे चिंता मत करना। और फिर क्या होता है उतने में कि पिताजी एक मुँह नहीं खोलते, उतने वो लाठी उठा लेता है डंडा, ये ब्राह्मण मेरी बहन को लेने आया ये वो करके डंडे से पीटने की कोशिश करता है, तब भाई रुकता है बात, बीच बचाव के लिए पंचायत आती है, गांव के लोग आते हैं, भाई हुआ क्या है, इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रहा है आपके घर में, क्या है, ये सारा मैटर सॉल्व करने के लिए। तभी क्या होता है ना, तो बात आती है कि अब इसकी साक्षी देगा कौन, इस बातों को जो पूरा का पूरा बोला गया है इस बातों की साक्षी कौन देगा। तो यही बात आती है कि अगर साक्षी देने के लिए आएंगे गोपाल खुद तो ही इस बात को माना जाएगा, नहीं तो इस बात का कोई और साक्षी तो है नहीं, दो लोगों के बीच की बात है ना, गोपाल आएंगे तो ही साक्षी माना जाएगा। तो उसी में बोला जाता है तबे, हाँ तबे बड़ विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपने आसी था, तबे कन्या दीबे आमी जानी है निश्चय, तांद्र पुत्र कहे भात बत है ना। तो इस प्रकार से हुआ कि बेटी तब दी जाएगी जबकि आपका ये चीज़ फुलफिल होगा, गोपाल खुद आके साक्षी देंगे, एक्चुअली उसके लड़के ने कहा ये बात, गोपाल खुद आएंगे वहाँ पे साक्षी देने के लिए, ये तबे पुत्र कहे ए भत बात है, तब ये पक्की बात है ना, तब हो पाएगी ये बात। आई क्या हुआ, हाँ बड़े विप्र जो बूढ़े विप्र, हाँ बड़े विप्र मन कृष्ण बड़ा दयावान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करी बे प्रमाण। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण था ना वो क्या सोच रहा है कि भगवान बहुत कृपालु हैं और जरूर आएंगे यहाँ पे और आके साक्षी देंगे ही देंगे, लेकिन उनका लड़का क्या सोच रहा है, पुत्र र मने प्रतिमा न आसी बे साक्षी दीते, ऐ बुद्ध दुई जन हैला समते। तो एथिस्टिक सन, उसका जो बालक था जो बड़ा भाई का, लड़की का बड़ा भाई, तो उसने क्या सोचा कि ये तो होने वाला नहीं है, कौन सी डीटी चल के आती, कभी हुआ आज तक भगवान चल के आए हो कभी, है ना, ये सब कहने की बात है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ फेथ, ये ना श्रद्धा का स्तर अलग अलग, नास्तिक होगा कभी नहीं मानेगा, है ना, नास्तिक व्यक्ति कभी नहीं मानेगा, उसको लगेगा कि भगवान नाम कोई चीज़ होती है। प्रभात कहते हैं भगवान नास्तिकों को भी दर्शन देते हैं, कब देते हैं, मृत्यु के समय देते हैं, उसको दर्शन देते हैं, देख मैं आ गया, पूरे जीवन तू नहीं मानता था ना, और मैं देख सामने खड़ा हूँ मान गया भाई, और विटनेस थिंकिंग दस एंड द सन एंड द फादर एग्रीड, दोनों मान गए, चलो पिता क्यों माने, क्योंकि पता था भगवान बहुत दयालु हैं, आएंगे ही आएंगे, और इनका पुत्र मान गया क्यों, क्योंकि पता है भगवान तो कभी नहीं आने वाले हैं। तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी को रिजॉल्व कर सकते हैं दोनों पार्टीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप समझ रहे हो,
एक जो मानता है उसको भी रिजॉल्व करवा देंगे, जो नहीं मानता है उसको भी रिजॉल्व करवा देंगे. इट्स सच सच अ ट्रिकी कृष्णा इज देयर राइट. लेकिन आगे क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी छोटा विप्र बोला कि अभी इससे बात नहीं बनेगी, अब अगर भगवान भी आ जाएंगे तब भी तुम लोग बोलोगे उठा के लाया ये, तो क्या करो इसको लिख के दो लिखित रूप में, लिखित रूप में. इसीलिए आज की डेट में ये सारी कमिटमेंट्स क्यों लिखवाई जाती हैं, क्योंकि आदमी के चरित्र पे विश्वास ही नहीं है, समझ रहा हो. ये जो लिखित कार्य जब हो जाता है ना उसका सीधा मतलब होता है कि इसकी बातों पर विश्वास नहीं है. इसे लिख के दो, पहले लिख के दो, साइन करके दो, और चार गवाह साथ में साइन करेंगे उस पर, तब माना जाएगा कि हाँ भाई पक्की बात है. अब तो इतना झूठ है आज की डेट में कि उसको भी नहीं मानते लोग, उसको भी बोलते हैं कि भाई हमें नशा करा के लिखवाया गया है, हमें मेरा दिमाग उस समय ठीक नहीं था, मैं बुद्धि घूम गई थी और मेरे को नशा करा के जबरदस्ती लिखवाया गया है. अब बताओ ऐसी हालत है, मतलब आज कमिटमेंट में कुछ सर नहीं लोगों का, बिल्कुल खत्म हो चुका है. लेकिन छोटा विप्र जानता है, छोटा विप्र ने कहा, छोटा विप्र बोले पात्र करह लिखना, ना ये ना नहीं चले सब वचन. तो यंग ब्राह्मण टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, प्लीज राइट दिस डाउन ऑन पेपर इन ब्लैक एंड व्हाइट सो दैट यू मे नॉट चेंज योर वर्ड और ऑनर, है ना. क्योंकि गोपाल को तो मानोगे नहीं, तो मुझे पेपर तो लिख के दे दो भाई. तो ठीक है, पेपर भी लिख दिया गया. अब देखो आप छोटा ब्राह्मण कितने विश्वास के साथ बढ़ा आगे. विश्वास इसी कमिटमेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना. कभी कमिट होते हैं किसी चीज़ को लेकर ना, घबराना नहीं चाहिए. कमिटमेंट से डर लगता है कई बार, इतना सुनकर लगे अरे बाप रे बाप, हमारे साथ भी, हमने भी राजा दशरथ की तरह कमिटमेंट दे दिया किसी को, पता नहीं क्या करवाएगा वो हमारे साथ, फिर बूढ़े ब्राह्मण का. तो कमिटमेंट का है ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, नेगेटिव अर्थ भी होता है. लोग डरते हैं कमिटमेंट देने से, ये लगता है अरे बाप रे बाप, ज़्यादा कमिटमेंट दे दिए तो फिर तो गया हूँ. इसीलिए कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए. सब कुछ करो है ना, लेकिन कमिटमेंट नहीं दो, है ना. सुनो सबकी, करो मन की. लोगों का सिद्धांत यही होता है नॉर्मली कि करो सब कुछ, सुनो सबसे, करो सबसे, लेकिन कमिटेड नहीं होना चाहिए. इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी शुड बी अकाउंटेबिलिटी में भी बताऊंगा मैं इसको बाद में, कि वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मेनी बट शुड बी अकाउंटेबल टू वन. एक व्यक्ति से हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति हमारी जवाबदेही है. तो अकाउंटेबिलिटी में उसमें डिटेल में बताऊँगा. अभी क्या हुआ, कमिटमेंट करते समय ना भगवान पर विश्वास रख के कमिटमेंट किया जाता है कि हाँ भगवान हमें पार लगाएंगे. अगर हम ये बात कह रहे हैं कि 16 माला 4 नियम करके व्यक्ति भगवत धाम जाएगा ना, ये सब विश्वास पे टिका है, विश्वास पे कि भगवान लेकर के जाएंगे. हम में से किसको पता है भगवत धाम कहाँ पे है, किधर जाएंगे, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, कौन सा बस पकड़ेंगे, कौन सा टांगा टेम्पू रिक्शा साइकिल क्या पकड़ के जाएंगे, कुछ पता नहीं ना. हाउ विल गो, बट इट्स ऑल ऑन फेथ कृष्णा. सो दैट्स वाई द फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड दिस कमिटमेंट. अब छोटा ब्राह्मण क्या किया, वापस गया, पूरा वृंदावन चलते हो गया. वृंदावन चलते हुए भगवान के पास बोला, गोपाल के पास, और बोला कि भगवान ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया, एज इट इज़ भगवान क्या क्या बोल रहा है, एज इट इज़ भगवान सब हो गया है, अब आपको चलना पड़ेगा. तो भगवान उसे बोले, सोचो भगवान बोले, हमारे साथ कहीं बोला है भगवान ने, कभी नहीं बोला ना. उसके लिए बोले क्योंकि उसको फेथ था, उसको श्रद्धा थी भगवान है. बोले और क्या बोले भगवान, कि देखो मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं अपने चतुर्भुज नारायण रूप में ना उस सभा में प्रकट हो जाऊँगा साक्षी देने के लिए. उस चतुर्भुज सभा में मैं उस सभा में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाऊंगा साक्षी देने के लिए, तो लोग विश्वास कर लेंगे. बोला नहीं नहीं, नारायण ने वचन नहीं दिया, नारायण के आगे वचन नहीं लिया गया था, नारायण के लोग मानेंगे नहीं इस बात को. अगर आप आ भी जाओगे चतुर्भुज रूप में ना, मानेंगे नहीं लोग उस बात को, आपको जाना पड़ेगा. भगवान बोले रे क्या बात कर रहे हो, कोई ड्यूटी चल के जाती है. ब्राह्मण ने बोला ड्यूटी बोलती है. भगवान ने बोला बात तो ठीक बोला, डिटी बोलती भी तो नहीं है. तो जब बोलती नहीं तो चल के क्यों नहीं जा सकती. तो बोला हाँ सही बात है, चल के जाना पड़ेगा. तो वहाँ बोले ठीक है चलो चल के चलते हैं. तो डिटी बोलती तो है नहीं, चले कैसे, ठीक है चलोगे, चलते हैं चलो. अब चलने के लिए भगवान नियम बना दिया, बोला देखो मैं पीछे पीछे चलूंगा तुम्हारे, और मेरे पैर के जो घुंघरू हैं वो बचते रहेंगे, उसको सुन सुन के चलते रहना, पीछे नहीं देखना, पीछे देखा तो मैं नहीं चलूंगा आगे, कंडीशन. और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि थोड़े एक दिन में मेरे को 1 किलो चावल पकाना और लेके मेरे को खिला देना, बस मेरे को और कुछ खाने को नहीं चाहिए. रोज़ मेरे को जब तक चलेंगे, जब तक हमारी यात्रा चलेगी, तब तक 1 किलो चावल बनाना है मेरे को और खिलाते जाना और चलते जाओ. ये शर्त हो गई सब, बस ब्राह्मण चलता गया चलता गया चलता गया. काफ़ी दिनों में पहुँचा विजयनगर, वो राज्य विजयनगर था उस समय, उसके बाउंड्रीज पे, बाउंड्री से पहुँचा. और पहुँचते ही गाँव वालों को तो हल्ला हो गया, देख कि गोपाल जी आए हैं, और गोपाल वहीं खड़े हो गए. सारे गाँव वाले
पहुँच गए वहाँ पर, सारे गांव वाले पहुँचे और पहुँच करके देख के दंग रह गए, बाप रे गोपाल जी। गोपाल जी बहुत ऐसा नहीं ब्राह्मण उठा के ला पाएगा, डीटीज पहले के समय की बहुत भारी। वैसे देखो डीटीज के साथ ये है कि डीटीज के साथ हमें कभी उनको भौतिक उस पर नहीं नापना चाहिए कितने भारी कितने लंबे कितने छोटे होते हैं, लेकिन नॉर्मली कहें तो डीटीज को उठाने के लिए क्रेन चाहिए प्रैक्टिकली, इतने भारी भारी डीटीज होती हैं ना, आसानी से उठती नहीं, बहुत आदमी लगते हैं उठाने के लिए, उतना दूर से वृंदावन से लेकर के आना ऐसे संभव है, ट्रक तो थी नहीं उस टाइम पे, है ना, कि ट्रक में उठा के लेके आएंगे ऐसा कुछ करके आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान स्वयं आए और उस कमिटमेंट के, उस ब्राह्मण के कमिटमेंट को ना पूरा किया, उस चीज़ को पूरा किया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए कि इस कमिटमेंट को जीवन में जब लेना होता है ना, लेने के बाद उसको उतारने की जो शक्ति है ना, एक्चुअली भगवान देते हैं। और कमिटमेंट लेना ज़रूरी होता है, क्यों कमिटमेंट, इसलिए कमिटमेंट नहीं, जब तक बनते ना हम कमिटेड नहीं बनते, हम कोई भारी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते जीवन में। तो जिम्मेदारी भले ही मनुष्य जीवन में भक्ति करने की क्यों ना हो, चाहे हम किसी पर्टिकुलर सेवा को, जब भगवान की कोई सेवा करते हैं ना, उसमें जब तक कमिटेड नहीं होते ना, उसका कोई वैल्यू नहीं। और आजकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं फॉलो कर पाते। अब इसमें प्रैक्टिकल एक्शंस क्या हैं, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा हमारे लिए, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत में जब हम भक्ति में आते हैं ना, उसमें बड़ा ध्यान देना चाहिए कि द प्रोग्रेस मेट बी स्लो, उसी हो सकती है प्रोग्रेस स्लो हो, बट इट शुड बी अ कमिटेड वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम प्रीचिंग करते हैं लोगों को ना, तो प्रीचिंग करते समय बड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोग हो सकते हैं बहुत धीरे चलते हों, लेकिन हमें उनके धीरे चलने को नहीं मेजर करना चाहिए, हमें उनके कमिटेड प्रैक्टिस को देखना चाहिए। तो इसीलिए जब हम प्रीचिंग करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली लोगों को यही बोलते हैं कि रोज़ एक माला करिए, है ना, रोज़ एक माला शुरू करिए, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, या रोज़ दो माला करिए, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। उससे क्या होता है ना, जब किसी फिजिकल एक्टिविटी को, आध्यात्मिक एक्टिविटी को आप रोज़ करते हो, मैन डू ऑन अ डेली बेसिस विद कमिटमेंट, तो होता क्या है, वो चीज़ ना धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है, उसको छोड़ना फिर आसान नहीं होता आपको। अन्यथा क्या होता है ना, बहुत हम कभी हाई हो गए, निर्जल एकादशी आई तो सीधे 192 माला, अच्छा है करना चाहिए कभी कभी एक्स्ट्रा माला, लेकिन उसके बाद गायब, फिर अगले निर्जल दिन में दिखेंगे आपको। कई लोग दिखे मेरे को जो निर्जल में, दो तीन लोग आए थे, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, काफ़ी खुशी हो रही है आप आए हैं। अब हर रोज़ भी आया करिए, कोशिश करिए रोज़ आने का, या एक हफ्ते में एक बार आने का कोशिश करिए, कम से कम एक महीने में एक बार आने की कोशिश करिए, अलग अलग कमिटमेंट के लेवल्स हैं। अब अगले निर्जल में ना देखें आपको, नहीं कई लोगों का होता है कि हर निर्जल टू निर्जल आते हैं, चलो अच्छा है कम से कम ये भी कमिटमेंट अच्छी है कि साल की एक कमिटमेंट है। कई लोग हमेशा जन्माष्टमी भी देखेंगे आपको, हर साल जन्माष्टमी जन्माष्टमी, या तो गौर पूर्णिमा गौर पूर्णिमा, ऐसे कुछ मेजर मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, तो दे आर लाइक फेस्टिवल डिवोटीज, है ना, भक्तों में बड़ी सारी कैटेगरीज होती है, तो फेस्टिवल डिवोटीज वो हमेशा फेस्टिवल में दिखेंगे आपको, बड़े उत्साहित, आपसे ज़्यादा उत्साह उनके अंदर दिखेगा। अब रोज़ साधना करके थके गिरे होंगे तो आपको कई बार लगेगा कि भक्ति हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है संसार में, अपनी भक्ति भी डाउट होगा आपको कई बार। अभी हम ही एक हफ्ते में धराशायी हो जाएंगे कुछ लोग, और अरे जी इससे अच्छा तो वहाँ पे थे, वहाँ ज़्यादा एक्सटेसी होती थी, यहाँ तो रोज़ माला करते करते तो हमें तो चक्कर आ रहा है, 9:30 तक तो बस बिस्तर पकड़ने का मन कर रहा है, अब तो टाइम हो गया है, है ना, धीरे धीरे सबको आ रहा होगा, झपकी आ रही होगी, नींद भी आ रही होगी, और बहुत कुछ आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है, ये सब करने से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा कमिटमेंट का लेवल क्या है, तो हमें धीरे धीरे इसको बढ़ाना होता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, उत्साह बहुत कुछ बढ़ा देते हैं लोग, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते उसको। देखो अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है आपको, तो आप 200 की रफ्तार पे कंटिन्यूसली गाड़ी नहीं चला पाओगे। कारण बताए क्या है, मैं बताता हूँ क्या है आपके लिए, हम एक्सप्रेस वे पे चलवा रहे हैं, ये ऐसी गाड़ी उस जगह नहीं चलवा रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक है, जहाँ रस्ते में किसी ने अपनी साइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, पूरा एक्सप्रेस वे दिया गया आपको चलाने के लिए, तब भी 1000 किलोमीटर आप नहीं चला सकते, 2000 किलोमीटर तक आप ड्राइव नहीं कर सकते 200 किलोमीटर की रफ्तार, क्यों नहीं कर सकते बताओ, बात क्वेश्चन समझे मेरा। 1000 किलोमीटर की जर्नी है आपकी, या लेट सपोज तो 5000 किलोमीटर की जर्नी है, आप कन्याकुमारी यहाँ कश्मीर श्रीनगर से शुरू किया और कन्याकुमारी तक आपको जाना है 3-4 हज़ार किलोमीटर, और पूरा एक्सप्रेस वे दिया आपको, रस्ते में कोई ऐसा नहीं डिस्टर्बेंस है, और 200 तक गाड़ी चलानी है कंटिन्यूसली, आपको चला लो, क्यों नहीं चला पाओगे, अरे फ्यूल भरा देंगे यार, इतना दिमाग प्रहत होगी तो मैंने भी नहीं सोचा, तो फ्यूल भरा दिया एकदम, अनलिमिटेड इंजन, अनलिमिटेड फ्यूल है आपके पास, अब बताओ तब भी नहीं चला सकते आप, हाँ, क्योंकि बॉडी भी आपकी एक मशीन है, शरीर भी एक मशीन है ना, शरीर भी तो एक मशीन है ना, तो मशीन को भी पता होना चाहिए कैसे काम करता है। अब यहाँ पे रहते रहते समझ में आया कैसे काम करता है,
अभी हम लोग ट्रांसेंडेंस से मेटल नेचर में आएंगे धीरे धीरे। कई लोग बोलते हैं ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है, हमने बोला ट्रांसेंडेंस से भौतिक प्रकृति में लाना आपको, है ना। पहले शुरू में लोग आते हैं भावभक्ति की स्थिति पे होते हैं, भावभक्ति से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है, सीधे कृष्ण प्रेम ये वो। तो हमने बोला हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत क्लियर है, भावभक्ति से वैदिक भक्ति तक लाना। भावभक्ति से वैदिक भक्ति में लाना। बोला प्रभु तो डिमोशन दे रहे हैं आप हमें, हम पहले से भावभक्ति स्थिति पर दे। तो हम बोले कि अभी भाव से वैधि, फिर वैधि से रागवन होगा, और फिर असली भाव, रियल इमोशंस फॉर कृष्णा, वो क्रोकोडाइल वाले नहीं जो होते हैं ना कि इजी टू क्राई इजी टू ड्राई वाला नहीं। तो वी हैव टू गो दिस वे, इस भाव से नीचे और फिर इस भाव से शुद्ध स्तर पे, लाइक इट विल गो। समझ पा रहे हो ना क्या पॉइंट कह रहा हूँ मैं? तो पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड माइंड का एक नेचर होता है, माइंड बेस्ट फंक्शन करता है सतोगुण में, और सतोगुण में किसी चीज़ को कंटिन्यूसली किया जाता है, इसलिए नित्यम भागवत सेवा भूल गई है ना, सततम कीर्तयंतो माम, सतत कीर्तन की बात बोली गई ना कि सतत कीर्तन करना है, ऐसे नहीं खाली एक दिन करना है, निर्जल एकादशी एक दिन करना है, रोज कीर्तन करना है, रोज भागवत सुनना। अब रोज रोज कैसे करोगे उसी चीज़ को? उसके लिए तो सॉफ्टवेयर को वैसा बनाना पड़ेगा ना, वैसा डिज़ाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक कमिटमेंट बहुत मैटर करता है। इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप धीरे भी चल रहे हो लेकिन स्टडी हो तो जीत जाओगे, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संग से उस स्लोनेस को बढ़ाना पड़ता है, भक्तों के संग से ना वो स्लो चीज़ फास्ट बनती है, क्योंकि इंस्पिरेशन से आती है, प्रेरणा से आएगी, बिना प्रेरणा के नहीं आएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जो थर्ड पॉइंट है डिवोटेड लाइक अ शूटिंग स्टार। मैंने कई भक्तों को देखा है इतनी तेज़ी से आए भक्ति में और इतनी तेज़ी से निकल गए, मैं पता नहीं चला कब आए कब गए। देखें बहुत लोग दिखेंगे आपको इतनी स्पीड से आए होते हैं, एकदम एक्सटेसी से सब कुछ किए होते हैं, फिर एक्सटेसी से निकल भी गए होते हैं, फिर हम ढूंढते हैं जी कहाँ रह गए, फ़ोन नहीं उठा रहे आजकल आप कहाँ पे, बोलो बस बड़े व्यस्त चल रहे हैं। तो ऊपर से अब तो कहीं तो मुँह बाजू भाग जाते हैं बगल से, एक लड़के को मैंने देखा था, आता था पहले 2017-18 में, तो दूर से आ रहा था, समय क्या होता है ना कि आप स्कूटी देख के व्यक्ति पहचान जाते हो कौन। तो अब ये इस कपड़े को भी देखकर दूर से पहचान जाते कौन आ रहा है। तो उसने दूर से ही जब देखा तो हेलमेट डाल दिया, और हेलमेट डाल के हेलमेट का ढक्कन डाल के स्कूटी तेज़ी से करके जाने लगा, स्कूटी से पहचान में तो आ गया, और फिर बॉडी फिगर से भी समझ में आ गया कौन है ये जो बैठा हुआ है। करते करते तो बहुत दूर तक तो नज़रें मिल रही थी, वो भी अंदर से देख रहा था अपने हेलमेट के, और मैं तो उसकी स्कूटी देख ही रहा था। करते करते कुछ ना करते पास आया तो उसने गर्दन झुका ही दिया कि मतलब हरे कृष्ण बोलने के लिए। कहने का मतलब था कि नाउ देयर आर डिवोटीज हु हैव प्रैक्टिस नाइसली, बट बिकॉज ऑफ देयर लैकिंग ऑफ कमिटमेंट्स, कमिटमेंट लैक करने के कारण ना, अब उनको भक्तों के समाज में आने में बड़ी सी हिचक सी होती है, बड़ी शर्म सी आती है, बोला मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मेरे बारे में क्या लोग सोचेंगे, मैं कितना उन्नत भक्त था, आज माला भी नहीं करता हूँ मैं, आज मेरी स्थिति कैसी हो गई है। तो पॉइंट इज कि कमिटमेंट, एक कमिटेड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइफ में कोई भी कमिटमेंट लीजिए, हाँ 16 माला करना है मेरे को, 4 नियम फॉलो करना है मेरे को, आधे घंटे रीडिंग करनी है, 15 मिनट रीडिंग करनी, जो भी टाइम है, जो भी चीज़ हम कमिटेड करते हैं उस पर स्टिक रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इफ यू नॉट स्टिक ना द चांस ऑफ डिविएशन इज वेरी फार, राइट। और कैसे कर सकते हैं, द फाइनल स्टेप फोर्थ वन इज लाइफ ऑफ तपस्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये तपस्या को अपनाना चाहिए ना। तो ये तपस्या कैसी होती है, ज़बरदस्ती की तपस्या नहीं करनी है, ज़बरदस्ती तपस्या कर रहे हैं बैठ के उसी की आवश्यकता नहीं, हमारे प्रोसेस में ही पता है इतनी तपस्या मिली हुई है जिसको कि आप ना चाहते हुए भी कर ही लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए क्या क्या तपस्याएँ इस सिस्टम में ही एग्जिस्ट करती हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ प्रयास ही नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना, अब तो उठना ही पड़ेगा, अब दिल्ली में तो होते तो घर तो बगल में है नहीं, जहाँ मन खराब होता भाग लो घर भाई, ये होता था ना, किसी को भी बुलाओ सैटरडे संडे रुकवाने के लिए, 2 दिन तो एक्सटेसी में रहेगा वो, और मंडे को 10 बजे सो रहा है वो, और फ़ोन करो प्रभु क्या वो भाई तो बहुत थकान हो रही है, 2 दिन तो ऐसा हालत हो गया हमारा, क्या होता है तो अब तो मंडे ट्यूजडे पूछे ही मत, हमें पूरा थकान निकल रहा, अब यहाँ कहाँ निकलेगी थकान, यहाँ तो उठना ही पड़ेगा 4:30 बजे, नहीं बोलो प्रभु जी मम्मी याद आ रही है, अब तो हमें हफ्ते में क्या, मैं 4 दिन में याद आ जाएगा, मम्मी के नानी तो याद आती, लोग कहते हैं ना मम्मी नानी सब याद आती है, तो किसी की बहुत पिटाई होती तो कहते हैं ना नानी याद आ रही है उसको, ऐसा क्यों होता है जानते हैं रीज़न, नानी का स्नेह बहुत ज़्यादा होता है, नानी का प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग नानी बहुत याद आती है, नानी याद आती है। और क्या है तपस्या सिस्टम में, जब करना चलो जब तो इंडिविजुअल है तो करो चाहे मत करो भाई, 2 घंटे बैठ के मारे तो घुमाते रहने घुमाते रहेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कई लोग होते हैं
कि बताया कि 2 घंटे क्या करना है, बैठ के माला घुमाते रहो बैठ के, बोलो चाहे मत बोलो, कौन सुनने जा रहा है, हम ही तो सुन रहे हैं खाली। चलो वो तो नहीं चेक कर सकते, वो तो व्यक्ति इंडिविजुअल है। और क्या है? हाँ तुम्हारे वैसे तो सारे बेस के ही है मैक्सिमम, लेकिन कई लोग ठीक है बैठ के एक प्रोग्राम हो सकते हैं। और क्या है? प्रसाद फिक्स है, और बाहर भी नहीं जा सकते समोसे को थोड़ी खाने के लिए, मन में इच्छा भी होगी तो क्या करें, कल वैसे ही समोसे बट रहे थे वहाँ, नहीं समोसा प्रसाद बट रहा था। कई लोग हो सकते हैं इच्छा की भी होगी, लेकिन आसपास भक्तों को देख के अरे यार क्या सोचेंगे मेरे बारे में, चलो प्रभु जी दान करके आते हैं किसी को। और क्या है? कपड़े खुद धोने, अब बताओ यार, अब तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है यहाँ पे, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, तो अब खुद धोना, उतनी बड़ी धोती 4 मीटर की, बाप रे कैसे धोएं इसको, अब कहाँ कहाँ धोएं, किसको रगड़ें किसको पकड़ें, कई लोग तो पानी से निकालेंगे बस डालो यार ख़त्म करो, और जब तक वापस जाओगे पूरी काली हो चुकी होगी वो। कई लोगों को देखा एक वक्त मैंने बेस में ऐसे ही पकड़ा था, वो ऐसे ही काम पूरा धोती ले करके है ना, वो ये बेस जिसका भी नाम मैं ले रहा हूँ ना, वो सभी हैं उसमें इन्वॉल्व है ना, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, जनरल टेंडेंसी सबकी होती है, जनरल टेंडेंसी सभी की देखी गई है। क्या करेंगे बस, और जी हम दिन भर व्यस्त थे, अब क्यों व्यस्त थे भगवान जानता है, उठाया धोती कुर्ता रात में, बस पानी में डुबा के सीधे छत पे ढाड़, अगले दिन तक तैयार, और करते करते ऐसा काला कि बस पोछे के लिए हम कपड़े ढूंढते हैं, कोई भक्त बोले जी मिल गया कपड़ा, वो टंगा हुआ है, वो देखिए वो सामने को कुर्ता टंगा हुआ है, वो एकदम सटीक लग रहा है, उसी को लेके मारते हैं पोछा, है ना। दिन बंधु को भी कह रहे थे इसके बारे में, कई सारे गमछे वो देख रहे थे, तो एक गमछे के बारे में बोले गुरु जी ये देखिए क्या गमछा है, ये पोछा से ही बदतर है ये। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बस जो भी होंगे पर्सनली बता दिया जाएगा। तो ऐसे हालत हो जाती है कपड़ों में कई बार, और फिर नील डालो ये डालो वो डालो, ऐसे अब सब अपने कुर्ते चेक कर रहे हैं कि क्या हालत है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बुरा मानिएगा, और कई बार जल्दी जल्दी में हमें भी करना पड़ता है, लेकिन पॉइंट इज डोंट बी हैबिट कि रोज ऐसे धो रहे हैं, आज कपड़े धोने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा तपस्या? हाँ बाथरूम, अब बताओ बाथरूम, मेरा घर मेरा बाथरूम, अभी यहाँ पे बाथरूम मेरा नहीं है, लाइन में लगो, अच्छा बाथरूम भी साफ करना, ये तो और ज़्यादा तपस्या होगी, बाप रे बाप, ये चलो ज़्यादा हो गई, चलो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन अब प्लेटों के लिए लाइन लगाना पड़ता है, नहीं प्लेट धोना है तो प्लेट के लिए भी लाइन लगाना है, वेट पेशेंस, नॉर्मली पेशेंस डेवलप कर देगा आपके अंदर, है ना, पेशेंस नहीं भी होगा तो खड़े रहना पड़ेगा ये। और गर्मी है, कर क्या सकते हैं, कूलर है नहीं कुछ है नहीं भाई, इतना एरिया जहाँ जाके सोने सो लो, अपना तरीका निकाल लो। और मच्छर तो कमी है, ठीक है मच्छर दिल्ली से तो कमी है एटलीस्ट, तो हो सकता है कई लोगों की वो भी तपस्या। और क्या है सबसे बड़ी तपस्या? नहीं बताई भी किसी ने, भक्तों के संग में रहना, बाप रे बाप सबसे बड़ी तपस्या ये, समझ रहे हो, भक्तों के संग सबसे बड़ी तपस्या क्यों है, हर आदमी प्योरीफिकेशन करेगा यहाँ पे। कौन किस लेवल पे क्या बोल दे, कहाँ टोक दे, क्या कर दे, कुछ पता नहीं, और हर व्यक्ति अपने आप में आचार्य हैं। कोई कुछ समझा रहे हैं, कोई कुछ समझाना शुरू कर देंगे, खुद ना करें चाहे करें, लेकिन दूसरे को जरूर समझाएंगे, प्रभु जी आपका लेक्चर नहीं सुना था आपने, आपके लिए बताया जा रहा था ये बात। और बोलेगा अच्छा तुम्हारे लिए नहीं बोला गया था ये बात, आप हम झगड़ा कर लेंगे दोनों लोगों, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कहने का मतलब है भक्तों के संग में रहना सबसे बड़ी तपस्या है, और ये कमिटेड लाइफ पता है कब जी सकते हैं हम, जब वास्तविक रूप से ना इस चीज़ को सीख जाएं कि भक्तों के समूह में कैसे रहा जाता है, हाउ टू लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अगर भक्तों के संग में रहना सीख गए ना तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कमिटमेंट, अदरवाइज लाइफ ऑफ कमिटमेंट को जीना बहुत मुश्किल होता है, अकेले नहीं हो पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव अलोन, राइट, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, इसको फिर यहीं पर विश्राम देते हैं, और आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।